हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के, देखिए पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं कि परमेय 6.1 परमेय 6.2 जो कि था थेल्स परमेय, उसको हम सिद्ध करके बता दिए हैं, पूरा सिद्ध भी कर दिए हैं। आज हम परमेय 6.3 को देखेंगे कि परमेय 6.3 में क्या बोल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। ये है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, जो कि होता है ट्रिपल ए, देखिए होता है ट्रिपल ए, डबल ए, एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड ट्रिपल एस। लेकिन हम आज बात करेंगे किसका, ट्रिपल ए का, जो कि है परमेय 6.1 में। ठीक है, तो इसको हम आज सिद्ध करेंगे कि परमेय 6.1 में क्या है। देखिए, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, समरूपता के लिए कसौटियां आई, किसके लिए है, समरूपता के लिए कसौटियां। तो यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, समझिएगा जरा सर, कि समरूप होने का केस क्या क्या है, कैसे समरूप होगा कोई भी, हम दो त्रिभुज को हम कैसे समरूप बोलेंगे। तो देखिए, सपोज हम दो त्रिभुज बनाते हैं, इस टाइप का हम दो त्रिभुज बना दिए। आज हम सिद्ध करेंगे किसको, परमेय 6.3 को। ठीक है, परमेय 6.3, पिछले वीडियो में हम 6.2 जो कि था थेल्स परमेय का विलोम और 6.1 परमेय 6.1 जो कि था थेल्स परमेय, उसको भी हम सिद्ध कर दिए हैं। उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज 6.2 को भी सॉल्व कर दिए हैं। तो 6.3 को सॉल्व करने से पहले, एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करने से पहले, उससे रिलेटेड जो परमेय आने वाला है उसमें, जो कि उसमें यूज होने वाला है, उसको पहले सिद्ध करके देखेंगे, तब फिर एक्सरसाइज के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यही है, यदि दो त्रिभुज, हम दो त्रिभुज बना दिए, त्रिभुजों में संगत कोण, संगत कोण का मतलब है जैसे यहां पे है, यहां जितना कोण बन रहा है यहां भी उतना ही बने, ए बी सी, इसको हम मान लेते हैं पी क्यू आर। तो ए पे जितना कोण बनेगा P पे भी उतना बनेगा, यानी संगत कोण बराबर हो, B पर जितना बनेगा Q के पास भी उतना ही कोण बनेगा, और C के पास जितना बनेगा R के पास भी उतना ही बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोल रहा संगत कोण बराबर हो, संगत कोण हम बराबर कर दिए, A को P से मिला दिए, B को Q के इक्वल कर दिया, C को R के इक्वल कर दिए। ठीक है, बराबर हो तो उनकी भुजाएं, भुजाएं मतलब क्या, ए बी बी सी, यहां पी क्यू क्यू आर, ये सब क्या है, भुजा है इसका, उनकी भुजा एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती है, और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समानुपाती का मतलब देखिए, समझिएगा कि ए बी और इसका पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, इसका बी सी, इसका क्यू आर, तो बी सी बटे क्यू आर, संगत भुजा समानुपाती, मतलब बटे में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, आपको पहले लिखना है क्या दिया है, क्या दिया हुआ है कि ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज है, लिखेंगे ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज है, जिसमें दो त्रिभुज है जिसमें कौन ए, कौन ए किसके इक्वल है, दिखेगा यहां पे सिंगल है, सिंगल एंगल बनाया हम, इसके इक्वल है, तो कौन ए इक्वल टू कौन पी, ये दिया हुआ, कौन बी इक्वल टू किसके, कौन क्यू के, कौन सी इक्वल टू कौन आर, ये तीनों मेरा एंगल इक्वल दिया हुआ, यानी कौन बराबर है, हमको चेक करना है, सिद्ध करना है क्या, कि इसके भुजाओं का अनुपात समान आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है कि इसके भुजाओं का अनुपात, देखिए उनकी भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में, इसका मतलब ये भुजाएं और इसके संगत भुजाएं, ये इसके संगत इधर जाएगा, इसके संगत इधर जाएगा, और इसके संगत इधर आएगा, तो ए बी बटे पी क्यू, सिद्ध करना क्या, ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू क्या, फिर नीचे वाला, तो इसका भी नीचे वाला, तो बी सी बटे क्यू आर इक्वल टू ए सी, तो इसका पी आर, ए सी बटे पी आर, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए, तो सिद्ध करेंगे इसको,
उसके पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ मॉडिफाई करेंगे, अपडेट करेंगे। क्या अपडेट करेंगे कि इसी के टाइप में हम इसको बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए क्या चेंज करेंगे इसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में ये भुजा मेरा ए बी जितना है, यहां से यहां तक ए बी जितना है उतना ही यहां से यहां इसको नाप लेंगे, ए बी जितना है उतना ही यहां से यहां इसको नाप लेंगे। तो जैसे यहां से यहां ए बी जितना है वहां यहां आ गया, ठीक है, और ए सी जितना है इधर से भी हम उसको देख लेंगे। सपोज यहां पे आया तो इसको मिला देंगे, इसको मान लेंगे डी और ई। इसका मतलब क्या कि ए बी जितना है हम पी डी उतना मान लिए, जितना लंबाई ए बी उतना लंबाई पी डी, जितना लंबाई ए सी उतना लंबाई पी ई, बराबर मान लिए, ठीक है। तो इसमें रचना क्या किया कि हम पी क्यू, पी क्यू भुजा और पी आर भुजा पर दो बिंदु लिए, क्या क्या लिए, डी और ई। तो लिख देंगे वही, लिखेंगे रचना, आगे क्या लिखेंगे, रचना। रचना में क्या किए कि भुजा पी क्यू तथा पी आर पर, पी आर पर दो बिंदु, दो बिंदु कर्मशः डी और ई इस प्रकार लें, इस प्रकार लें कि, इस प्रकार लें किस प्रकार कि ए बी और पी डी बराबर हो, ये जितना है उतना ही हमको सेम नाप का लेना है। इस प्रकार लें कि ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर क्या, पी ई, ए सी बराबर पी ई, ये होना चाहिए, ठीक है। यहां पे इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको सेकंड, इसको थर्ड, यहां पे फोर और ये फाइव। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत, क्या किया हम कि जितना ए बी का लंबाई था उतना ही हम पी डी से यहां से नाप के उसको बिंदु लगा दिए, यहां आया। ए सी जितना लंबा था उतना ही यहां से पी ई हम खींच दिए, बिंदु लगा दिए, उसको आपस में मिला दिए, ठीक है, इतना है। और फिर क्या लिख देंगे कि डी को, डी को ई से मिलाएं, मिलाना भी जरूरी है ना, अगर मिलाएंगे नहीं सिर्फ बिंदु हम डालेंगे तो बिंदु से मेरा काम चलने वाला नहीं है, हमको मिलाना पड़ेगा। तो लिखेंगे डी को ई से मिलाएं, ठीक है, तो मिला दिए, डी को ई से मिला दिए, देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रमाण करेंगे, प्रमाण इधर कर देते हैं, प्रमाण, अब हमको प्रमाण करना है यानी सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज लेंगे, कौन कौन इक्वल है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, हमको चेक करना है क्या सर्वांगसम आता है या नहीं आता है, हम क्या दो भुजा हम इक्वल लिए हैं, ठीक है। तो हमको ये दोनों त्रिभुज को लेना है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी और पी डी ई में, और त्रिभुज पी डी ई में, तो ये दोनों त्रिभुज को जब लेंगे तो देखिएगा ए बी और पी डी आपस में बराबर है, ए सी और पी ई आपस में बराबर है, ठीक है। तो दो भुजा बराबर है और एक कोण भी तो बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है कि नहीं, कहां पे, कोण ए कोण पी, यानी समीकरण एक चार और पांच से इसमें दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है। तो दो साइड और एंगल जब बराबर रहे, तो दो साइड और एंगल जब बराबर रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस ए एस, दो साइड, साइड साइड हो गया और एक एंगल, तो एस ए एस, एस ए एस किसमें, सर्वांग समता, आप नाइन्थ में इसको पढ़ चुके होंगे कि एस ए एस सर्वांग समता क्या होता है कि डबल साइड मेरा इक्वल होना चाहिए और एक कोण, जो जैसे हम ये दोनों भुजा लिए, ये दोनों साइड लिए, इसके बीच बनने वाला कोण, इसके अंतर्गत बनने वाला कोण जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो ये दो भुजा लिए, ए बी तो पी डी, ए सी तो पी ई, इसके बीच कौन बन रहा है, यहाँ पे पी और यहाँ पे ए, ये दोनों इक्वल है। अब भुजा क्या है, भुजा भी बराबर है, साइड भी बराबर है और कोण भी बराबर है, तो डबल साइड और कोण जब बराबर रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वांगसम बोल देते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और पी डी ई में, समीकरण एक दो, सॉरी चार, एक चार तथा पांच से, एक चार पांच से क्या पता चला, एक से एक कौन बराबर है और चार पांच से पता चला कि दो साइड बराबर है, कौन दो साइड, ये दो साइड, ये दो साइड आपस में बराबर है और कौन यहां पे बराबर है।
तो जब दो साइड और कौन बराबर है तो हम बोल सकते हैं क्या, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, ये सिंबल किसका है, सर्वांगसम का, सर्वांगसम त्रिभुज पी डी ई, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या आ गया, सर्वांगसम आ गया, किससे आया ये, किस लॉजिक से आया, एस ए एस लॉजिक से, तो लिखेंगे एस ए एस सर्वांगसमता से, आपको लिख देना है एस ए एस सर्वांग समता से, ठीक है। यानी साइड एंगल साइड, साइड मतलब एक, देखिए एक में क्या है एंगल मिल रहा है और फोर फाइव में साइड मिल रहा है, ए बी पी डी, ए बी पी डी और ए सी पी ई, ठीक है। तो दो साइड मिल गया और एक क्या मिल गया, एंगल मिल गया, तो डबल साइड और एक एंगल सर्वांग समता से ये क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम जब त्रिभुज हो जाता है तो उसका तीनों भुजा बराबर हो जाएगा और तीनों कोण संगत कोण भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः दोनों त्रिभुजों में संगत कोण तथा संगत भुजा बराबर होंगे, संगत भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांगसम हम सिद्ध कर दिए कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। कौन दोनों, फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं, ये ए बी सी और पी डी ई सर्वांगसम है, तो इसका ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल भी इक्वल, ठीक है, मतलब संगत। बीसी को इससे कंपेयर कर देंगे, ए सी इसके साथ हो जाएगा, यानी संगत कौन बराबर हो जाएगा, संगत भुजा बराबर हो जाएगा, ठीक है, ऑल साइड इक्वल नहीं, संगत भुजा बराबर, ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुजा में संगत कौन तथा संगत भुजा बराबर, तो संगत कौन कहां जाएगा, कौन ए कौन पी से मिलेगा, कौन ए कौन पी से मिलेगा, कौन बी कौन डी से मिलेगा, यानी यहां पर डबल बनेगा, कौन सी कौन ई के साथ मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि संगत कौन क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ए वाला तो लिख दिए हैं, ए और पी को लिख दिए हैं बराबर है, तो बी और डी को लिख देते हैं, लिखते हैं कौन बी बराबर कौन डी, संगत कौन हो गया बराबर, फिर कौन सी और कौन ई बराबर होगा, कौन सी बराबर कौन ई, ये आपस में क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्या ई सर्वांगसम है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं अब इक्वेशन कहां तक, पांच माने हैं यहां पे, छह और ये सात। अब देखिए यहां पे एंगल बी और एंगल डी, यहां पे एंगल बी और एंगल क्यू, यहां बी क्यू के इक्वल है, यहां बी डी के इक्वल है, तो जब ये बी क्यू के इक्वल है, यहां भी बी डी के इक्वल है, तो डी और क्यू भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण किससे, दो तथा छह से, दो तथा समीकरण छह से, ठीक है। यानी तो आप इसका सॉर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए क्या, कौन बी, कौन बी किसके इक्वल है, कौन क्यू के इक्वल है, तो यहां लिखेंगे कौन क्यू इक्वल टू कौन डी, ठीक है, इतना कर सकते हैं। इसको आप इक्वेशन मान लीजिए सिक्स, ठीक है। आगे देखिए संगत सी के संगत कौन ई, तो कौन सी इक्वल टू कौन ई, अब सी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो कौन आर इक्वल टू कौन ई, इसको आप इक्वल कर सकते हैं, ये हो जाएगा इक्वेशन सेवन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा कि क्यू और डी, कौन क्यू और कौन डी आपस में बराबर आया, कौन क्यू क्यू और कौन डी आपस में ये बराबर है, कौन आर और कौन ई आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये दोनों कौन आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, समांतर है। देखिए कैसे, जब भी दो समांतर रेखा रहता है, दो समांतर रेखा उसके बीच एक त्रियक रेखा रहे, तो यहां पर जितना कोण बनता है, यहां पर उतने बनता है, क्यों बनता है, संगत कोण इक्वल रहता है, कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। तो ये दोनों जब समांतर रेखा रहे तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों अगर हम बराबर आया है, ये दोनों कोण अगर बराबर आया और ये त्रियक रेखा, इसको मान लेते हैं ये दोनों
कौन बराबर है, इधर भी ये दोनों कौन बराबर है, इसका मतलब ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों रेखा जो है आपस में क्या है, समांतर है। तब ना आया ये दोनों इक्वल, ये दोनों कौन इक्वल आया, ये दोनों जब तक समांतर नहीं रहेगा तो ये तिर्यक रेखा से ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। ये दोनों इक्वल है, तिर्यक रेखा से बना हुआ कौन इक्वल है, इसका मतलब संगत कौन इक्वल है, संगत कौन कब इक्वल होता है, जब ये समांतर रेखा रहता है। ठीक है, तो हम आगे अब क्या लिख सकते हैं, अतः DE समांतर क्या है QR, कैसे है, क्योंकि संगत कौन क्या है यहाँ पे बराबर है, ये कौन इसके इक्वल है, ये कौन इसके इक्वल है, तो संगत कौन जब बराबर रहे तो कब रहता है, जब समांतर रेखा रहता है। तो यहां तक आप नोट कर लिए होंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखिए अब क्या करना है कि जब ये संगत कौन बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आगे देखिए यहां से लिखिएगा आप कि समीकरण 6 और 7 से, समीकरण 6 एवं समीकरण 7 से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या है आपस में समांतर है, यानी DE समांतर क्या QR, क्यों, क्योंकि संगत कौन बराबर है, संगत कौन बराबर है। ठीक है, इसीलिए यह क्या है कि समांतर रेखा है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप याद कीजिएगा, जरा सा दिमाग पे लोड दीजिएगा कि परमेय 6.1 में हम क्या बताए थे कि जब त्रिभुज रहे उसमें दो रेखाएं समांतर रहे तो ये भुजाएं जो विभाजित होती है समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, इसका मतलब पीडी बटे डी क्यू और पीई बटे ई आर हो जाएगा, पीडी बटे डी क्यू और पीई बटे ई आर कब होगा, जब डी ई समांतर क्यू आर रहे, तो डी ई समांतर मेरा क्यू आर है तो हम पीडी बटे डी क्यू और पीई बटे ई आर हम कर सकते हैं। और एक बताए थे कि इसमें प्लस वन करेंगे, देखिए इसको व्युत्क्रम करके प्लस वन किए थे पिछले वीडियो का, अगर आप नहीं देखे तो उसको भी जाके देख लीजिएगा कि जब हम इसको व्युत्क्रम करके प्लस वन किए थे तो क्या आया था मेरा पीडी बटे टोटल पी क्यू, पीडी बटे पी क्यू और क्या आया था इधर पीई बटे पी आर, ये भी आया था पीई बटे पी आर। ठीक है, ये भी आया था, ये भी हम सिद्ध कर दिए हैं, कब किए इसी में आप इसको व्युत्क्रम करके प्लस वन करेंगे आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसी को लेंगे, किसको लेंगे, पीडी बटे पी क्यू और पीई बटे पी आर को, तो लिखेंगे यहां पे थेल्स परमेय से, जब ये समांतर है तो थेल्स परमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स परमेय से डी ई समांतर है क्या क्यू आर, तो जब समांतर है तो पी डी और टोटल फिर पी क्यू, पी डी बटे पी क्यू इक्वल टू पीई, पीई बटे पी आर ये हो जाएगा। अब देखिए पीडी, पीडी का मान तो हमको पता है, पीडी का मान हमको पता है, क्या माने थे पीडी एबी के इक्वल माने थे, पीडी जो था एबी के इक्वल था, तो पीडी की जगह पर हम एबी लिख सकते हैं, तो एबी बटे पी क्यू, अब पीई की जगह क्या लिख सकते हैं, पीई किसके इक्वल है एसी के इक्वल है, एसी बटे पी आर। ठीक है, तो देखिए ये दो सिद्ध हो गया, हमको सिद्ध क्या करना था कि ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, ये सिद्ध करना था, जिसमें ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, ये दोनों इक्वल आ गया, सिद्ध हो गया। और इसको अगर आपको सिद्ध करना है तो हम इधर अगर इसको माने हैं बराबर तो आप क्या करेंगे, यहां से ए बी जितना है और बी सी जितना है इधर से मान लेंगे। ठीक है, Q को हम कॉमन रखेंगे, जैसे यहाँ पे P को कॉमन रखे और A को कॉमन रखे, उसमें क्या करेंगे अगर B को कॉमन रखेंगे तब इधर से बनेगा, एक लाइन इधर से हमको गुजारना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा, तब मेरा क्या होगा BC उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं इसको कि जैसे यहाँ पे हम रचना किए ना तो यहाँ पे भी आप रचना कर सकते हैं, जिसमें कॉमन क्या रह जाएगा क्यू रह जाएगा, इसमें कॉमन बी रह जाएगा। ठीक है, तो उसमें मेरा BC आ जाएगा वैल्यू, क्यों आएगा, क्योंकि वह बनेगा BC और AB के बीच में, यहाँ QR और PQ के बीच में, तो QR भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं क्या, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं
सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर इक्वल टू ए सी बटे पी आर। ठीक है, तो यही सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यही बोल रहा था परमेय में कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर था कोण ए कोण पी के इक्वल था, और कोण बी कोण क्यू के इक्वल था, कोण सी कोण आर के इक्वल था। ठीक है, तो इसकी भुजाएं जो है इसकी उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, तो एक ही अनुपात में विभाजित हो गया, एक ही अनुपात में बराबर आ गया। देखिए एक ही अनुपात में ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर। ठीक है, तो यही हमको इस प्रमेय में प्रूव करना था। इस प्रमेय को और क्या कहते हैं, ट्रिपल ए कहते हैं, यानी एंगल 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 हम यहां पे लिख देते हैं इसको, इस प्रमेय को क्या बोलते हैं, और एंगल 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 एंगल। ठीक है, एंगल 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 यानी कौन 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 प्रमेय इसको कहते हैं। ठीक है, अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा तीन कौन के जगह पे दो कौन मेरा इक्वल आ रहा है, कौन ए कौन पी के इक्वल आ रहा है, कौन बी कौन क्यू के इक्वल आ रहा है, तो तीसरा क्या बाहर जाएगा, तीसरा कौन तो बराबर होना ही है, निश्चित होगा तीसरा कौन निश्चित बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो आप नोट कर लिए होंगे, देखिए अगर ये ले लें हम 50 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये पता नहीं है हमको, ये 50 डिग्री ये 60 डिग्री ये पता नहीं है, तो इसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है कितना, 180 डिग्री, जिसमें 60 और 50 110 ये पूरा आ रहा है, 70 और बाकी है 70 इधर हो जाएगा, इसमें भी 60 और 50 110 हो गया, इसमें भी 70 हो जाएगा इधर, क्योंकि त्रिभुज ये भी त्रिभुज है। तो इसका मतलब देखिए दो कोण जब इक्वल हुआ तो तीसरा कोण क्या बाहर गया, तीसरा कोण भी तो बराबर आया। ठीक है, तो जब दो कोण बराबर रहे तो तीसरा कोण भी बराबर आएगा ही आएगा, इसलिए डबल ट्रिपल ए अगर मिल रहा है तो ठीक है, डबल ए भी मिल रहा है तो मेरा काम चल जाएगा, इसलिए डबल ए से भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी डबल एंगल से, यानी कौन कौन से समरूप है, ट्रिपल ए से भी समरूप है और डबल ए से भी समरूप है, कौन, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिएगा जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अभी हम क्या बोले कि थियल्स प्रमेय, थियल्स प्रमेय एक बताए थे हम एडी बटे डी क्यू और ए पी पी डी बटे डी क्यू और पीई बटे ई आर, ये हम सिद्ध किए थे और एक प्लस वन करके सिद्ध किए थे। अगर आप इसको लेते हैं इस यहां पे जो है इसको लेते हैं किसको, इसको, तब क्या सिद्ध होगा ये, तो अवश्य बात है निश्चित होगा। कैसे होगा, अगर आप इसको नहीं लेते हैं किसको, ये प्लस वन जो हम डायरेक्ट करके लाए थे उसको अगर नहीं लेते हैं तो आपको ये लेके फिर यहां पे प्लस वन करना पड़ेगा, यहां पे करें चाहे वो किया हुआ टू यूज कर दें, एक ही बात है। तो अगर हम यहां पे करेंगे तो इसको यूज करेंगे किसको, पीडी बटे टोटल वाला नहीं, पीडी बटे डी क्यू और पीई बटे ई आर, अगर इसको यूज करते हैं तो देखिए देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा ये सिद्ध हो गया मेरा। लेकिन अगर आप इसको यूज करते हैं किसको, ये वाला को, ये तो प्लस वन वाला है, ये हम सिद्ध कर दिए हैं, अगर इसको यूज करके आप करना चाहते हैं तो देखिए कैसे होगा, ऐसे ये सिद्ध हो गया, यहां तक आपको प्रूव्ड कर देना, ये हो गया है प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, पीडी बटे डी क्यू हमको लेना है और पीई बटे ई आर, यहां से चेंज होगा यहां से। ठीक है, अब देखिए हमको फिक्स क्या रखना है, पीडी को फिक्स रखना है, पीडी को फिक्स रखना है, क्योंकि पीडी क्या है, एबी के इक्वल है, तो इसको व्युत्क्रम कर देंगे, लिखेंगे व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करने पर तो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी क्यू ऊपर चला जाएगा और पी डी नीचे, ई आर ऊपर चला जाएगा और पी ई नीचे। ठीक है, अब फिर प्लस वन कर देंगे, डी क्यू बटे पी डी प्लस वन, ई आर बटे पी ई
प्लस वन, यहां आ जाएगा पी डी और यहां आ जाएगा पी ई, ये डी क्यू प्लस पी डी, ये ई आर प्लस पी ई, डी क्यू प्लस पी क्यू, डी क्यू डी क्यू यहां और सॉरी यहां पे पी डी होगा, पी डी है ना, पी डी होगा, तो डी क्यू प्लस पी डी, डी क्यू प्लस पी डी, हम डायरेक्ट पी क्यू लिख सकते हैं इसको, पी क्यू और नीचे पी डी, ई आर और पी ई, ई आर और पी ई, टोटल पी आर लिख सकते हैं इसको, पी आर बटे पी ई, ठीक है। अब इसको फिर व्युत्क्रम करेंगे, लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, तो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी डी ऊपर चला जाएगा और पी क्यू नीचे, पी ई ऊपर और पी आर नीचे, तो देखिए फिर वही चीज आया कि नहीं, वही चीज आया कि नहीं, इसलिए हम ये थ्योरम प्रमेय से ही इसको प्लस वन करके निकाल दिए हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूज कर दिए, डायरेक्ट यूज कर दिए, मेरा काम बन गया। आपको बस इतना ही करना है, आपको ये वाला पार्ट नहीं करना है, ठीक है, ये आप सिद्ध कर चुके हैं प्लस वन करके, किसमें, थ्योरम प्रमेय में प्लस वन करके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले वीडियो में हम प्रमेय 6.3 को भी सॉल्व करेंगे, यानी सिद्ध करके दिखाएंगे, प्रमेय 6.3 हो गया 6.4 को, ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।